नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं प्रदेश तक। AIMIM के मुखिया ओवैसी ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है, जिसके बाद पूरे देश का सियासी पारा अपने चरम पर पहुंच गया है। कांग्रेस ओवैसी और अन्य विपक्षी दलों के बीच जुबानी जंग छिड़ चुकी है। कांग्रेस नेता लगातार ओवैसी और उनके बयान का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग बहुत आएंगे, बहुत आएंगे। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं, हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। आओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आओ वायनाड क्यों, यहां हैदराबाद को आओ। दो हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहा वायनाड जाते प्यारे, लाओ। बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, अरे बात क्यों करते, आओ जमीन पर, आओ मुकाबला करेंगे। अपने संसदीय क्षेत्र हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा, वायनाड छोड़िए, शेरवानी और काली टोपी वाले से मुकाबला करिए। उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा, उत्तर प्रदेश में विवादित ढांचे यानी बाबरी मस्जिद को देश का सबसे पुरानी पार्टी मतलब कांग्रेस के शासनकाल में ध्वस्त किया गया था, इसलिए मैं आपके नेता राहुल गांधी को वायनाड से नहीं बल्कि हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती देता हूँ। ऐसे तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े बयान देते रहते हैं, अब जमीन पर आइए, मुकाबला करेंगे और मेरे खिलाफ चुनाव लड़िए। ओवैसी के बयान पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि अगर उन्हें चुनौती देनी ही थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को देनी चाहिए थी। राहुल गांधी का कद इतना बड़ा है कि वे देश में कहीं भी चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी ओवैसी की चुनौती पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यदि ओवैसी खुद को हिंदुस्तान का नेता बताते हैं तो उन्हें किसी नॉन मुस्लिम सीट से चुनाव लड़के दिखाना चाहिए। हैदराबाद के बाहर AIMIM का कोई वजूद नहीं है। आपको बता दें, इससे पहले राहुल गांधी ने तेलंगाना में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक के दौरान राहुल ने ओवैसी पर भाजपा का साथ देने का आरोप लगाते हुए कहा था कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सिर्फ BRS नहीं बल्कि BJP और AIMIM के खिलाफ भी चुनाव लड़ रही है। कहने को तो ये पार्टियां अलग अलग हैं, लेकिन आंतरिक रूप से एकजुट होकर काम कर रही हैं। इतना ही नहीं, राहुल ने यह दावा किया था कि CM चंद्रशेखर राव और ओवैसी के खिलाफ CBI ED की कोई जांच नहीं चल रही है, क्योंकि PM मोदी उन्हें अपना मानते हैं। इसी के साथ देश दुनिया की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए प्रदेश तक। देश दुनिया और अपने आसपास की ताजा तरीन वीडियो को देखने के लिए प्रदेश तक को लाइक करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। साथ ही ऐसी ताजा अपडेट के लिए प्रदेश तक .com पर विजिट करें।